खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के ऊपर 72 घंटे का बैन लगने के बाद अब वो फिर से चुनाव प्रचार में निकल चुकी हैं, बस में सवार हैं, लोगों से मिल रही हैं, जय श्री राम के नारे लगा रही हैं, भारत माता की जय कह रही हैं। 72 घंटे साध्वी जी हमेशा बोलने वाली साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर चुप कैसे रह गई? नहीं नहीं नहीं, मैं चुप नहीं रही, मैं तो अपने भजन में पूजन में लगी हुई थी। और जब साधु संत मौन हो जाते हैं तब जनता बोलती है। आज जब आपने प्रचार शुरू किया तो प्रचार शुरू करने के साथ जो आपकी पहली स्पीच थी, पहला भाषण था, उसमें भी आपने दिग्विजय सिंह के ऊपर ही करारा हमला बोला। बिल्कुल, जो जैसा करता है उसके लिए बोलना ही पड़ता है। आप अपनी हर सभा में ये कह रही हैं कि जो भी यातनाएं प्रताड़ना दी गई मुझे, जो मेरी आज ये जो मेरी हालत है उसके पीछे दिग्विजय सिंह, हालांकि आप उनका नाम नहीं लेती, उनका दूसरा नाम लेती हैं, उसके पीछे वो कारण है, तो इसी के सहारे वोट मांग रही हैं क्या आप? क्यों नहीं, जहां नारी का अपमान होता है, जहां नारी को प्रताड़ना दी जाती है, जहां भगवा को आतंकवाद कहा जाता है, ये असंवेदनशील लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं। और राष्ट्र में अब कोई साध्वी प्रज्ञा सिंह को प्रताड़ित करने वाले लोग या किसी भी नारी को अपमानित करना और प्रताड़ित करने वाले लोग, कानून के अंतर्गत गैर कानूनी करवाने और करने वाले लोग अब ये ना कर पाए, इसके लिए मैं राष्ट्र में चेतना जगाने आई हूँ। लेकिन एक बात है साध्वी प्रज्ञा जी की, आपके चुनाव लड़ने से हमेशा अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले दिग्विजय सिंह मौन धारण कर लिए हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? उन्होंने देश के विरुद्ध बहुत षड्यंत्र किए, उन्होंने नारी को अपमान, नारी को प्रताड़ना करने के लिए साधु संतों का अपमान, भगवा को आतंकवाद कह के और हिंदुत्व को आतंकवाद कह के जो पाप किए हैं, निश्चित रूप से अब वो उनके सामने आ रहे हैं, उसका परिणाम तो उन्हें भोगना पड़ेगा, उसका परिणाम सामने आ रहा है, इसलिए वो बोलने लायक अब कुछ बचे ही नहीं है, इसलिए नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, बोल भी रहे हैं तो कह रहे हैं कि संघ को गूंगी गुड़िया चाहिए और फिर कहते हैं कि साध्वी जितना बोले उतना हमको अच्छा है, ये कैसा बयान है? देखो, वो कभी अपने बयानों पे स्थिर नहीं रह सकते, कुकर्म करते ही रहते हैं, इसलिए अब उनके बारे में मुझे लगता है कि मैं क्या कहूँ। और रहा गूंगी गुड़िया का सवाल, तो ये गूंगी गुड़िया जब बोलती है तो क्यों तकलीफ होती है और ये गूंगी गुड़िया तुम्हें इतना कष्टकारी क्यों लग रही है कि तुम उसके ऊपर 72 घंटों का जो बैन लगवा रहे हो, और हम मंदिर जा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, उसमें भी तकलीफ हो रही है, हम बोलते हैं तो तकलीफ है, हम चुप हैं तो तकलीफ है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि तुम्हारी तकलीफों का अब जल्दी अंत होने वाला है। आप अपने भाषणों में ये भी कह रही हैं कि जब मैं मंदिर जा रही हूँ, भजन कर रही हूँ तो उनको तकलीफ होती है, उनकी तकलीफ मुझे अच्छी लगती है, आप आज कह रही हैं अपने भाषणों में। बिल्कुल, मुझे इसलिए उनकी तकलीफ अच्छी लगती है क्योंकि देश में जागरण रहेगा, देश धर्म राष्ट्र धर्म में जो प्रगति होगी, राष्ट्र धर्म जागेगा, तो निश्चित रूप से जो ये विरुद्ध में देश के विरुद्ध और धर्म के विरुद्ध, भगवा के विरुद्ध, हिंदुत्व के विरुद्ध, कार्य नारी के विरुद्ध, नारी के सम्मान के विरुद्ध, देश के सम्मान के विरुद्ध जो काम करते हैं, उनको ये चीज़ें बुरी लगेंगी, उनको दुख होगा, तो निश्चित रूप से हमें अच्छा लगेगा क्योंकि हमारा देश जो है ना वो प्रगतिशील होगा। अच्छा साध्वी प्रज्ञा जी, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, आप जनसंपर्क के दौरान जब महिलाओं से मिलती हैं, अगर उन्हें कुछ शारीरिक कष्ट हो तो आप बड़ी भावुक हो जाती हैं, फिर उनसे बातचीत करने लगती हैं, डॉक्टरों का नाम लिखवाने लगती हैं, ऐसा क्यों? ये अभी चुनाव है, चुनाव लड़ रही हैं आप, इसलिए संवेदनशीलता है कि ये बचपन से ही आपकी आदत रही है? नहीं नहीं, मैं इस विषय को राजनीति से नहीं जोड़ती हूँ क्योंकि मेरा जीवन अभी राजनीतिक जीवन शुरू हुआ है, लेकिन मैं बचपन से ही जो सामाजिक कार्य करती रही हूँ, मैं 6 की थी तब मैंने कहा था देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे, वो संवेदनशीलता मेरे अंदर है। और मैं किसी भी महिला को अपनी माता के रूप में देखती हूँ, जिस प्रकार से मेरी माँ को देख करके मैं किसी भी उनके कष्ट को दुखी होती हूँ, उसी प्रकार से मैं हर महिला को कष्ट में देख करके मैं कष्ट महसूस करती हूँ और उसके दुख में सम्मिलित होती हूँ और उसको सचेत करती हूँ। अभी मैं जेल में भी ऐसा करती थी और इसका भी मैं आपको उदाहरण देती हूँ, और आज भी अभी जो हुआ वो भी मैं आपको बताती हूँ। आप कह रही थी कि प्रचार के दौरान ही नहीं, चुनाव लड़ रही हैं इसलिए भावुक नहीं हो रही हैं, आप जब जेल में थी, आपका खराब समय था, तब भी आप जेल में महिलाओं की मदद करती थी? बिल्कुल,
मदद के दृष्टिकोण से, ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ी हूँ और मैं मदद कर रही हूँ, मैं इस दृष्टिकोण से था कि जो भी मेरे सामने आता अगर वो एक तकलीफ में है तो तत्काल मेरी दृष्टि में वो जाता है, क्योंकि मुझे जिस चीज़ का ज्ञान है वो हमें तत्काल हमारी दृष्टि में आ जाता है। जैसे एक महिला थी, उसके वो किसी प्रकरण में, बच्चों के प्रकरण में वो अंदर आ गई थी, निरपराध थी वो, कोर्ट ने उसको बाद में बरी भी कर दिया, लेकिन जब वो मेरे पास बैठी हुई थी रो रही थी, तो उसको रोते रोते ऐसे उसके गले में एक गांठ जो थी वो मुझे दिखी, तो मैंने कहा अम्मा ये गांठ काय की गठान है, ये क्यों ऐसा है? तो उन्हें बताया कि पता नहीं दीदी अभी ये 15-20 दिन से गठान हो गई है। तो मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर को दिखाओ, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं डॉक्टर की कोई बात नहीं है, और अभी तो हमने कहा दर्द करती है, बोले नहीं दर्द नहीं करती लेकिन गला कस रहा है। तो मैंने तत्काल जेल के डॉक्टर जो थे उनके पास भेजा, और जेल के डॉक्टर ने भी देखा तो उन्होंने कहा कि अभी मुझे साधारण सी गांठ लग रही है। मैंने कहा नहीं नहीं इसको आप थोड़ा सा ध्यान करें, गौर करें और इसको हॉस्पिटल में भेजें, आप तो चेकअप के लिए भेजें, आप देखिए इनकी तकलीफ क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन आप थोड़ा चेक करवाइए मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो उन्होंने डॉक्टर ने उनको चेकअप के लिए भेजा, और जब वहाँ पर भेजा मुंबई के जे हॉस्पिटल में, तो तत्काल वहाँ डॉक्टर ने उसको एक दिन एडमिट करके और उसकी बायोप्सी की, 3 दिन बाद रिपोर्ट आई और उसमें कैंसर आया। तो कैंसर आने के बाद तत्काल उनका फिर ऑपरेशन हुआ और 4 गठान गले में उनके निकली और वो आज ठीक हैं, स्वस्थ हैं। ये तो रही जेल की, लेकिन जैसे ही आज मैं जिस परिवार में एक गमी हो गई थी, बच्चा जिसका शांत हो गया था, उस परिवार में मैं गई तो जो माताजी रो रही थी उसकी माँ, तो मैंने उनको रोते हुए भी देखा और अचानक मुझे उनके गले में भी गठान दिखी। तो आज मैं बोल के आई हूँ उनके बेटे को कि बेटा माँ को लेके जाना और कल दिखाना हॉस्पिटल में, मेरी कोई आवश्यकता लगे तो मैं नंबर दे करके आई हूँ, तो मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगी, क्योंकि ये स्वास्थ्य का विषय है, ये जीवन का विषय है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं, ये संवेदनशीलता है, ये इतनी सूक्ष्मता से संवेदनशीलता इसलिए है मेरे अंदर क्योंकि मैं बचपन से सामाजिक कार्य करते चली आ रही हूँ। दूसरी बात, मेरे पिताजी आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, तो उन्होंने मुझे बहुत बारीक चीज़ें सिखाई हैं कि अगर ऐसा होता है तो ये तकलीफ़ होती है, अगर ऐसा होता है तो ये तकलीफ़ होती है, और मैं समाज की पीड़ा को आत्मसात करती हूँ, मुझे उनकी पीड़ा में मुझे मेरी पीड़ा नज़र आती है और इसलिए मैं पीड़ित हो जाती हूँ, उनके उससे मैं दुखी हो जाती हूँ। साध्वी प्रज्ञा जी वापस राजनीति के मैदान में आते हैं और ये पूछते हैं कि दिग्विजय सिंह साधु संतों का पूरा एक हुजूम लेके आ रहे हैं और उनके पक्ष में साधु संत सड़क में उतरेंगे और आप साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर हैं, कैसे मुकाबला करेंगी एक साधु संत वाले दिग्विजय सिंह जी का? क्या है, वो साधु संतों का दुरुपयोग करते हैं, भगवा का व्यापार नहीं होना चाहिए, भगवा का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। भगवा आतंकवाद कहने वाले व्यक्ति के समर्थन में यदि कोई साधु सन्यासी है तो मुझे लगता है कि अधर्म का साथ तो सन्यासी कभी देते नहीं हैं, और अगर देते हैं तो पता नहीं वो कुछ और ही होगा। अंतिम सवाल, भगवा हिंदुत्व और भगवा आतंकवाद, अगर आप चुनाव जीतती हैं, संसद पहुंचती हैं, इसके बाद ये आवाज़ कितनी मुखर रहेगी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के मुंह से? देखो, प्रखरता इस चीज़ में निश्चित रूप से होनी चाहिए, जब राष्ट्र धर्म सुरक्षित है, सनातन धर्म सुरक्षित है, राष्ट्र सुरक्षित है, सैनिकों का सम्मान है, नारी का सम्मान है, मुझे लगता है ये मुखरता से और मुखरता से हमेशा होनी चाहिए। ये चीज़ों का अगर अपमान होता है तो देश में विसंगतियां होती हैं, देश में अनाचार भ्रष्टाचार फैलता है, और इनका सम्मान अगर होता है तो देश में बहुत सी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, स्वतः ठीक होती हैं, और ये नारी के सम्मान के लिए, देश के सम्मान के लिए अनिवार्य है। जीत के प्रति कितनी आश्वस्त हैं आप? पूर्ण आश्वस्त हूँ।